तो भाई जी, एक तो ये रूम है, ये आगे लॉबी स्टोर है, सामने किचन, किचन भी अच्छी बड़ी किचन है। ये देखो रूम भी बहुत बढ़िया है। गाइस कमेंट करके बताना, वहाँ बोल रहे थे ना वहाँ से खाली कर दो, ये ले लो। अभी मैं रूम देखने के लिए आया था, पूरा बरंडा पूरा अच्छा खुला है आगे से, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम अटैच है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। वेलकम बैक टू कुलदीप सरोज ब्लॉग्स पे। अभी नहाने की तैयारी करते हैं, पानी आ गए। कहाँ है? हेलो मुस्कान, गुड आफ्टरनून। आ गई बेटा जी। सही लिया है? हाँ। आज तो नहीं गिरा? नहीं। चलो बाहर की कुंडी लगा दो। नहीं गिरता होता। और कैसे गिर? वो तो कब पता नहीं तुम क्या हो गया था जब गिर गए। वैसे कुछ करता है, चोट लगी। कैसे गिरी? नहीं थे। अच्छा गिरी थी जब? हाँ। ये पट्टी बांध रखी है। 5 दिन पहले। 5 दिन कल ज्यादा दर्द हो रहा था। कपड़े चेंज कर ले। ठीक है ठीक है, खाना वाना खा ले और सो जा थोड़ी देर। बेटा ट्यूशन नहीं गया? पापा जी तो थी, फिर छोड़ दी दोबारा से। क्यों? अभी देख रखे पढ़ाई करवाते है? अभी गए नहीं वहाँ पे, क्योंकि जो दीदी है ना उसके दीदी के पेपर चल रहे थे 6 तारीख तक। अच्छा जी। तो 6 को लास्ट था, आज जाना था। कल तेरा पेपर है ना? इंग्लिश। तो कर लो पढ़ाई, करो। करता। चलो सरोज बोल दे ना इसको। बोल तो दिया मैंने। बोलो। हांजी। ये फिर गेम लगा ली दोगी? हांजी। चलो देखते हैं। मम्मी ने खोल भी ले दोगी थी पहले। दो खोल ली और फिर थी। तो भाई तेरी मम्मी बोलते हैं इसको, तेरी भी खुलगी तो तेरी खुलगी। बता भाई कौन आपकी बार तो गोलू जीता सरोज, अब बताओ आप। सुनो ये ना जो डोगी था ना अपने पास में, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करता ये। हाँ ठीक सा। तो भाई ये मकान दिख रहा आपने? ये मकान मैंने बनाया था, यहाँ मेरी बेबी आ गई छोटी। तो क्या साल हो गया आंटी मैंने बनाई हो? दस में क्यों, 10-12 साल तक ऊपर हो गए। 2004 में लग गया था तू। 4 की बात है ये। हाँ तो 18 साल हो गए ये मकान बनाए गाइज मैंने। तो ये देखो अंदर फर्श फूरस सारा सौदा। ये मेरी देखो छोटी बहन आ गई है और रुपीता। ठीक है बढ़िया भाई, सब राजी खुशी। सब राजी खुशी। तो देख लो आज ना आता तो रहूं मैं। 18 साल भाई, गणे दिन 18 साल पहले ये मकान बनाया था मैंने। दिन मावे है आता तो रहूं मैं ना ना। और यार जमाई याद को नहीं कर दी ना, मेरे को दिखाने जा रही है दूसरा मकान। दूसरा मकान जो न्यू खरीदा है, नया खरीदा है। और अब चल के मकान देखते हैं, फिर जो भी सलाह होगी वो बाद में करेंगे, वो करेंगे हम फिर। तो भाई जी एक तो ये रूम है और ये आ गई लॉबी, यहाँ पर एक ये रूम है, रूम भी अच्छा बड़ा है। ये 15x18 का रूम है, ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये भी अच्छा बड़ा स्टोर है। तो सामने किचन, किचन भी अच्छी बड़ी किचन है। और ये भी रूम है एक, तो रात के टाइम ना आए थे ना देखने के लिए। ये देखो रूम भी बहुत बढ़िया है। और ये भी जो इसमें भी लाइट है क्या? अभी इसकी और लाइट जला के दिखा देते हैं आपको।
ये देखो ये भी रूम अच्छा है। तो गाइज कमेंट करके बताना, वो आप बोल रहे थे ना वहाँ से खाली कर दो, ये ले लो। अभी मैं रूम देखने के लिए आया था मकान, तो ये भी देखो बाहर पूरा बरंडा पूरा अच्छा खुला है आगे से। यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम अटैच है उधर भी। तो गाइज ये मकान में देखने के लिए आया था, तो आप बोल रहे थे ना घर चेंज कर लो घर चेंज कर लो। अंदर की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, बहुत अच्छा बना हुआ है। बाहर बरंडा भी है, मतलब आंगन भी है हवादार, मतलब अंदर बड़े बड़े तीन रूम है, एक ये बैठक होगी, दो अंदर रूम होगे, लेटरिन बाथरूम भी बड़ा है और किचन भी बड़ी है। तो अभी ये मैं दिखाता हूँ सरोज को। तो गाइज कमेंट करके आप भी बता सकते हो ये मकान लूं या बच्चों को यहाँ शिफ्ट करूँ या ना करूँ। तो आप उन्हें भी बहुत दिन हो गए, कुलदीप भैया घर चेंज कर लो घर चेंज कर लो। घर की लोकेशन मैंने आपको अंदर से दिखा दी अच्छी तरह, तो आप भी मेरे को राय दे सकते हो, आप भी मेरे बड़े हो। तो मेरी बहन ने बुलाया था, बोली भाई आ जा तेरे को मकान दिखाती हूँ। फिर इधर की इधर ना माता जी भी और बहन भी है, तो सरोज यहाँ भी मतलब दुखी नहीं होगी। तो कमेंट करके बताना मकान कैसा लगा आपको। चलें फिर, चलिए गाई चलते हैं, चलिए गाई चलते हैं घर। अच्छा बेबे, अच्छा आंटी, ठीक है काम लग रहा है क्या? हाँ अब जाके सरोज ने पूछ लूंगा भाई, मकान दिखा दूंगा मैं, पसंद आऊंगा नन्नू में फोन कर दूंगा मैं। ठीक है ठीक आंटी, बाय बाय। तो गाइज मैं आ गया हूँ घर पर, अभी सरोज को और दिखा देता हूँ मकान, तो सरोज को पसंद आएगा या नहीं आएगा अभी पूछते हैं सरोज से भी। सरोज जो मकान की अब दिखाई है तेरे ती फोटो, कैसे लगे गोलू? मस्त है पापा जी। तो इसमें ले लें किराए पे? ले लो। है सरोज देख लो, मैं तो समझा दूंगा किराए पे। तो अभी मॉल का विरोध को नहीं, इससे तो बढ़िया है मकान अच्छा। तीन कमरे दिखाए को नहीं, कितने बड़े बड़े कमरे है, बरंडा है, आगे बैठक है, लेटरिन बाथरूम पूरा खुला मकान है। हैं तो सारा सिस्टम करवाना पड़ेगा क्या? लाइट सब कुछ है उसके अंदर, वैसे अपने पंखे और अपना सामान ठाके ले चलना पड़ेगा। तुम बताओ भाई, स्कूल से दूर कहाँ है? पीर बाबा के सामने तो है। कितना दूर होगा? मेन रोड पे। अच्छा ये दूर है, वो दूर है, वो मेन रोड पे है। ये सारे जानते इधर, बाय चांस कुछ और भी थे, कोई पीछे पड़ जाए भूत बात तो जान पकड़ते रहेंगे। बता सुनो भूत कौन से आ गए? ये दूर पड़ेगा। हाँ इसका दूर पड़ेगा, वो भूत करता आगे बताइए ना, समझाइए भूत बात। वो देखो मेन रोड पे बाइक गाय गुए आगे लड़ाई करते हुए, फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ यार, तू पागल तो नहीं हो? तुमने पसंद है या नहीं अनु बताओ ना। तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा सरोज, दिल कर रहा तुम्हारा? मकान अच्छा है वैसे तो। तो गाइज आप भी कमेंट करके बता सकते हो, इनसे तो हम पूछ लेंगे, बता दो भाई आप। चलो आपके ऊपर छोड़ दिया, आप कमेंट करके बताना ये मकान अच्छा है या कैसा लग रहा है। जैसे आप जैसे 100 मैसेज आ गए ना, हाँ भाई अच्छा है, 50 आ गए नहीं, तो मैं 100 बंदों की बात मानूंगा। ठीक है सरोज? हाँ भाई खाना खा लिया? शुरू कर रखा, खाया नहीं अभी, खा भी लिया ग्रेवी का। सरोज आपने मुस्कान, चलिए गाइस सभी ने खाना खा लिया। मुस्कान हाँ जी, कोई बात नहीं मेरे लाडो, लेट जे सो जाओ भाई, आवाज कम कर लो भाई एक बार रे। क्या हो गया भाई साहब? बता रहा हूँ मेरा, आवाज कम कर लो। तो गाइस अभी सभी सोने जा रहे हैं बेटा, तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सरोज, गुड नाइट कर दो। केशव कुमार के नाम से कमेंट आया हुआ था, वो आज कह रहे थे आप मेरा नाम ब्लॉक में कमेंट में नहीं लेते होते, बता दो। तो केशव कुमार कोई क्वेश्चन पूछा भाई आपके धन्यवाद का, क्या आप मेरे पास मतलब आप मतलब जो भी जवाब क्यों नहीं दे रहे आप मेरी बात का? किस चीज का बताओ? वो उसने कहीं मैसेज कर रखा तो हमने नहीं पता किस चीज का जवाब मांगा है, उसको कहो क्या जवाब पूछना, आप ना कल आप उसमें बोलना कमेंट। तो आप केशव जी
आपको जिस चीज का जवाब चाहिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, आपके जवाब हम जरूर देंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। बिल्ली की आवाज, बिल्ली की आवाज है, बिल्ली जैसे गुस्से में हो तो कैसे करती है, है? ये कौन सी बिल्ली है? शेर करता है, शेर ताड़ता है। कैसे? और बिल्ली लो आवाज, इसकी बिल्ली की आवाज निकालो, देख ये है आवाज। अब कुत्ते की आवाज निकालियो बेटा, शेर नहीं, शेर की आवाज निकालना, शेर की, शेर की नहीं आती, निकालना, ये मोबाइल को आती है तो नहीं आती, नहीं नहीं निकाल दो शेर की आवाज। मैं गाय का बच्चा नहीं करता, वो जब भागता है बकरी की आवाज आती है, मैं कैसे करती है बकरी है? मुस्कान ले ले ले, कोई बात नहीं। तो गाइस अभी प्रैंक करने वाले हैं मुस्कान के साथ, लाइट कर देंगे बंद, सुनाई दे रहे कान में इतना लंबे है कान। मुस्कान बेटा चिंता ना करे, मैं हूँ, सुनाई देगा ना, आदर है। अब यहाँ पर ना डरी को नहीं ना, देख कहाँ कहाँ चढ़ रहा है, अब डर गई, वाह भाई वाह भाई। बच्चों तुम सुनाओ, कौन कहता टमाटर लाल है, लाल तो तेरे गाल है, हेमा मालिनी वर्गी तेरी चाल है, पीछे मुड़ के देख जाने मन, आशिक का क्या हाल है? मुझे एक और सुना है मुगलों में, सुनाओ। प्रेम हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, मैथ में बात क्यों नहीं करते? दादा ना तीन पाँच मत कर, नौ दो ग्यारह हो जाए, मैं तो पाँच ऐसे खींच कर लूंगा ना, छह के छत्तीस नजर आएंगे, बत्तीस के बत्तीस बार आ जाएंगे। कर दी मैथ में बात कर दी इसने तो, अब बकवास हो गई है ज्यादा, और अपने अपने बिस्तरे पकड़ जाओ, देख हाँ ऐसे घुस गए जैसे चूहा बिल्ल में घुस गया हूँ, बिल्ली ने देख के उठ गया।